वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 12 मई 2013 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जो हिंदी सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आने वाले एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि जो 12 मई 2013 को सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, इसमें दो पेपर सेट बनाया गया था, पेपर सेट वन और पेपर सेट टू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर सेट वन के हिंदी के सभी क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद पेपर सेट के जो क्वेश्चन बना था टोटल 100, उसमें से हम लोग 25 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से हैंड नोट्स बना लिया हूँ और ये बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक है। जिनके पास स्पार्क का या कोई भी पब्लिकेशंस का जो एसएससी जीडी का ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है 2011 से लेकर 2015 तक का, आपके पास यदि क्वेश्चंस बैंक होगा तो ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये 100% जेन्युइन क्वेश्चंस है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता दूं कि पहले क्या होता था ना कि 2011 से लेकर 2015 के बीच में जैसे एक टॉपिक से तीन तीन क्वेश्चंस पूछा गया था, जैसे विलोम शब्द से तीन क्वेश्चंस, पर्यायवाची से तीन क्वेश्चंस, मुहावरे से तीन क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे से तीन चार क्वेश्चन, इस तरह मतलब टॉपिक वाइज जितने भी सेक्शंस थे उनसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। लेकिन अभी जो 2019 के ऑल जोन शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, उसमें दो दो का सेट बना था, जैसे विलोम शब्द के 2 क्वेश्चंस, पर्यायवाची के 2, मुहावरे लोकोक्तियां जो पूछा गया था 2, तो इस तरह दो दो का सेट बना था। बट कोई नहीं, आपके इसी पैटर्न पर अभी भी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम क्वेश्चंस बनेंगे। देख सकते हैं ये 4 क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स का कि गांधी जी छुआछूत के डैश थे। तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी छुआछूत के क्या थे, विरोधी थे। ऑप्शन था समर्थक, अनुयायी, पोषक, ये सभी गलत है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसमें सारे कवर हो जाते हैं लगभग हिंदी ग्रामर के। जैसे मान लीजिए यहीं पर देखिए ना, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, तो ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला क्वेश्चन बन गया। मुहावरे से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और मान लीजिए मुहावरे से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसमें क्या करता है, बीच में के टॉपिक हटा देता है। मान लीजिए बीच में कोई शब्द हटा देगा तो उसको आपको भरना होता है सूटेबल करके। तो जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं एक शब्द में। अब देखिए थर्ड, आवश्यकता डैश की जननी है। तो आप सभी जानते हैं ये सेंटेंस होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत, ये अक्सर अलग अलग एग्जामों में देखने को मिलता है। कह रहा है देखिए कि वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की डैश है। ऑप्शन दिया है संभावना, शंका, आशंका, आशा। तो लगभग 70% कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उस संभावना पर क्लिक आउट करके और चले आते हैं और बोलते हैं हम सही किए हैं, लेकिन ये गलत होता है। देखिए वर्षा अधिक होने से बाढ़ आने की आशंका है, ठीक है, ये आशंका लगाया जाता है। देखिए जहाँ से आपको डर पैदा हो ना, जहाँ पर डर पैदा हो वहाँ पर आशंका लगाइएगा, और जहाँ पे आप सभी को आशा दिखे वहाँ पे संभावना लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कल बच्चों का रिजल्ट आएगा और सारे बच्चे पास हो जाएंगे, ये क्या है, एक संभावना बन रही है। कल मुख्यमंत्री 11 बजे तक आ जाएंगे, संभावना बन रही है। तो संभावना में मतलब आशा लोग अपने जताते हैं, अपनी भावनाओं को जताते हैं आशा उनके प्रति लगा कर, ठीक है। और आशंका मतलब होता है डर, मतलब किसी चीज़ के प्रति डर होना, वहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग, आशंका लगाइएगा। जैसे बाढ़, देखिए वर्षा अधिक होगा तो बाढ़ आने के भाई डर होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बाढ़ आएगा तो मेरा तो सारे ख़त्म हो जाएगा घर द्वार, तो वहाँ पर डर पैदा हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब आशंका तो सही है लगा दी, ये समझ आ गया कि संभावना में लोग आशा जताते हैं, आशंका में डर जताते हैं, लेकिन शंका का मतलब तो भी तो डर ही होता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। देखिए शंका का मतलब भी डर होता है और आशंका का मतलब भी डर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा सा अंतर है। शंका जो होता है ना ये प्रेजेंट में आपको देखने को मिलता है, और आशंका लोग जताते हैं फ्यूचर को देखकर, फ्यूचर में होगा यार ऐसा तो होगा ही होगा। और शंका, मान लीजिए शंका की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप कोई गलत मेडिसिन खा लिए, ठीक है, मान लीजिए आपको बुखार का मेडिसिन खाना है, आप ये खुजली वाला खा लिए तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब क्या पता रिएक्शंस करेगा, शंका हो रहा है अंदर अंदर, मतलब दम घुट रहे क्या होगा क्या होगा, परेशान हो गए। तो वहाँ पर शंका जता सकते हैं, ठीक है। आशंका मतलब वहाँ पर कि भाई बारिश इतना हो रहा है, फ्यूचर में क्या पता बाढ़ आ जाएगा,
तो वहां पर आप लोग डर क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में देख रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में बिल्कुल डर होने लगा, बाघ आ गया भाई, बाघ आ गया, अब छिपे हुए हैं किसी घर में, अब क्या होगा, शंका हो रहा है कि कहीं हमें मार तो नहीं देगा ऐसे। तो शंका वहां पर प्रेजेंट में लगा दीजिएगा, प्रेजेंट में कोई डर पैदा हो वहां पर शंका लगाइएगा, फ्यूचर में कोई डर पैदा हो रहा है तब वहां पर आशंका लगाइएगा। आई होप कि आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, उपस्थिति का विलोम शब्द क्या है, तो अनुपस्थिति हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, सरल का विलोम शब्द कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा, सुगम होगा। ये सभी आप लोग रट जाइएगा। 8 देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरे का। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, इसका अर्थ होगा ईद का चांद होना। क्वेश्चन 9 देख लीजिए, मुंह का खाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब मुंह का खाना मतलब पराजित होना, हार जाना। क्वेश्चन देखिए 10, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो प्रारंभ करना। अक्सर आप जब भी देखे होंगे कि जब भी पंडित जी आते हैं तो कोई भी श्री गणेश करते हैं, शुरू भी कोई भी पूजा करने से पहले क्या करते हैं, श्री गणेशाय नमः बोलते हैं, यानी प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द बताना है, मतलब यहाँ पर पूछा गया है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसे दीक्षित बोला जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं, एक शब्द में पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है। 13 देख लीजिए, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द बताना है, तो अपाद मस्तक बोल सकते हैं। अब देखिए शुद्ध शब्द बताना है, देखिए 14 में श्रृंगार अलग अलग टाइप से 4 ऑप्शंस में लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन सी आप केवल देखना है, आपको इस टाइप से श्रृंगार लिखा जाता है, आप 2-4 बार लिख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। 15 देखिए, उत्कर्ष को अलग अलग टाइप से दिया गया है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उत्कर्ष ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 16 देखिए, विद्यार्थी को अलग अलग तरीका से लिखा गया है 4 ऑप्शंस में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इस तरह लिखा है। अब देखिए 17, सुधा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, समान शब्द, तो शुद्ध ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुधा का पर्यायवाची हो जाएगा अमृत। और ऑप्शंस की बात करते हैं, नीर जो होता है ये पानी का पर्यायवाची होता है, क्षीर जो होता है दूध का होता है, और जल किसका है, ये भी पानी का है। और बात करें कि सुधा का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होता है, अमृत होता है, अम्य होता है, पीयूष होता है, सुरभोग होता है, सोम होता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। 18 देखिए, बसंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऋतुराज बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भ्रमर करना ये तो अलग है, चंद्रिका ये चांदनी का पर्यायवाची है, मयूर मोर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और बात करें कि बसंत का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो ऋतुपति, बहार, मधुर ऋतु, मधुमास, ये सभी क्या है, बसंत का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हवा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समीर। और देखिए यहाँ पर और ऑप्शन की बात करें, खमीर, ये खमीर रिश्ता तो अलग होता है अपना। चमन देखिए, चमन फुलवारी का पर्यायवाची है, बगीचा ये भी अलग है, फुलवारी का ही पर्यायवाची है। और बात करते हैं हवा का और पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो पवन, मारुति नंदन, आप सभी जानते हैं हनुमान जी को भी पवन का ही रूप कहा जाता है, वायु, वात, ये सभी क्या है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए 20, 21 और 22, ये क्या पूछा गया है, एरर से क्वेश्चंस, जिस तरह इंग्लिश में एरर का क्वेश्चन आता है उसी तरह यहाँ पे भी हिंदी में क्वेश्चन त्रुटि वाला पूछा जाता है, जिसमें अलग अलग पार्ट दे दिया जाता है, 4 पार्ट या 5 पार्ट दिया जाता है, और उसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में गलतियाँ हैं। देखिए, आसमान में काले काले बादल छाए हैं, मेघ पानी बरसते हैं, पानी शीतलता प्रदान करते हैं, कोई त्रुटि नहीं, तो देखिए यहाँ पर त्रुटि है ऑप्शन बी में, देखिए ये जो पार्ट बी है यहाँ पर गलती है, मेघ जो है ना, बादल जो होता है, मेघ मतलब बादल, पानी बरसते नहीं है, बरसाते हैं, मेघ जो होता है बादल होता है, पानी बरसाते हैं, यदि बरसाते होता तब सही होता, लेकिन यहाँ पर बरसते हैं इसलिए गलत है। 21 देखिए, राधा और श्याम सहेली है, मतलब यहाँ पर गर्ल्स है, सहेली है, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं। अब बताइए करते हैं, यहाँ पर फीमेल को दर्शा रहा है, करते हैं कोई, अगर यहाँ पर मेल रहता तब ना करते हैं लिखा जाता था सही होता, तो यहाँ पर करती है ये होता तो सही होता, तो यहाँ पर पार्ट बी में गलत है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 22 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है, अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती है। अब बताइए यहाँ पर अनुशासित छात्र को बोला गया है, आदर्श विद्यार्थी को, यहाँ नहीं है, मेल है सभी, तो यहाँ पर मेल है तो आती है थोड़ी ना होगा, आते हैं होता तब सही होता, तो ऑप्शन पार्ट सी में गलत है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है, मैंने इन फूलों से एक माला बनाया था, तो देखिए बनाया था ये कैसे होगा, देखिए क्योंकि माला जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो
यहाँ पर बनाई थी ना होना चाहिए, तो ये बनाया था लिखा है, गलत है यहाँ। अब देखिए बी पार्ट देखिए, मैंने इन फूलों से एक माला बनाई, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है मैंने एक फूल की माला बनाई, आप बताइए एक फूल से माला बनता है, नहीं बनता है, फूल बहुत सारे फूल होगा तभी ना माला बनेगा, तो कह रहा है मैंने एक फूल की माला बनाई, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, मैंने इन फूलों का एक मलाएँ बनाई, एक फूलों की मलाएँ बनाई, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखिए, वे विद्यार्थी कहाँ खेलते हैं, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहा है, यहाँ पर खेल रहा है मतलब एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। वह विद्यार्थी कहाँ खेलता रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये प्लूरल को दर्शा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए ये तो सी और डी बिल्कुल गलत होगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 देखिए, वे मेरे पूजनीय हैं, ये तो बिल्कुल वे मेरे पूज्य हैं, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये सही हो जाएगा पार्ट ए, ये पूजनीय बिल्कुल नहीं होता है, पूजनीय तो बिल्कुल नहीं होता है, ये पूजनीय सूटेबल शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी और सी गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर वे मेरा पूज्य है, तो ये मेरा नहीं होगा, मेरे होता तो सही हो जाता, तो पार्ट ए में सही है यहाँ पे। तो इस तरह ये 25 क्वेश्चंस रहा, फिर मिलते हैं सेट टू के हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।